एसकेआर टेक हिंदी में फिर से दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से आज विलेज में टेक का वीडियो दे रहे हैं। तो शायद आपको कुछ व्यूवर ने कमेंट किए थे कि अच्छा लगा था मेरा पिछला वाला वीडियो जो मैंने वो सरसों के खेत वाला जो अपना पोस्ट डाला हुआ था, तो वो शायद अच्छा लगा था, अच्छा कमेंट कुछ लोग किए थे, उसको थैंक्स। और दोस्तों आज मैं बात कर लेता हूँ 35 वाले रिचार्ज का फंडा। तो आपको पता ही है कि जियो के आने के बाद से मैंने इसके ऊपर एक और टेक्निकल वीडियो दिया था और पूरा डिटेल बताया था, पूरा प्रूफ्ड के साथ दिखाया था। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था कि 35 का रिचार्ज और प्लस में वैलिडिटी जो एक्सटेंडेड का वीडियो बहुत सारा आ रहा था उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था और बताया था कैसे आपको वैलिडिटी बढ़ाना है अपने सिम कार्ड की। साथ ही साथ दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि ट्राई के पास बहुत सारे कंप्लेन ऐसे गए थे जिसमें से कि आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल के यूजर्स के पास 35 से अधिक का रिचार्ज पड़ा हुआ था, तो उनका भी सिम जो है आउटगोइंग इनकमिंग बंद कर दिया गया था। तो इसमें अब जो है नया रिपोर्ट निकल के आया है कि आप लोग के पास यदि मोबाइल में 35 से ज़्यादा का रिचार्ज है तो आपका सिम अब आउटगोइंग और इनकमिंग बंद नहीं होगा। बस करना होगा आपको एक छोटा सा काम, वो काम ये है कि आप जो है *121 करके कीपैड डायल करेंगे या फिर वोडा में शायद *141 करके आता है, वहाँ पर आपको रिचार्ज करने का ऑप्शन दिया जाता है, वहाँ जाके आप अपने बैलेंस को जो है 35 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। या फिर कस्टमर केयर को कॉल करके आप अपना मेन बैलेंस से कटवा के और उस बैलेंस को 35 का रिचार्ज करवा लेंगे, यानी कि आप अपने खुद के बैलेंस से अब जो है 35 का पैक एक्टिवेट करवा लेंगे, आपका सिम बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा। और दोस्तों आई होप कि आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। बस ये छोटा सा अपडेट था और थोड़ा सा विजिबिलिटी जो है वो कम हो चुकी है क्योंकि हम थोड़ा सा जो है वो दीवार के पीछे थे, तो इसीलिए जो है विजिबिलिटी अच्छा से नहीं आ रही होगी आप लोगों को। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, बस छोटा सा अपडेट था। मैं जानता हूँ आप लोग में से बहुत लोग ऐसे हो जो कि सिर्फ खराब कमेंट करना जानते हैं। दोस्तों आप लोग भी यदि वीडियो बनाइएगा यूट्यूब पर तो यदि कोई ख़राब कमेंट करता है तो ख़राब लगता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के कमेंट किया कीजिए, क्या लगता है भाई, हम भी पहले ऐसे करते थे, कोई वीडियो चढ़ाता था तो उस पर गाली लिख देना, कुछ भी लिख देना, भाई समझिए बात को, बात की गहराई समझिए तब कमेंट कीजिए। हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कमेंट अच्छा से करते हैं और दिल को छू जाते हैं, उनको मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो धन्यवाद।